वेलकम टू आर चैनल विंग्स ए कुरान आप लोग तो जानते हैं हमारी आपके साथ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वेयर वी टेन टू डिस्कस टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसके जो पुराने वाली सीरीज़ है मैंने आपके साथ जी एस पी डिस्कस किया है कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन किए हैं ये आज मैं आपके साथ इस एग्ज़ाम का इंग्लिश पेपर फिर से डिस्कस करूँगी लास्ट के कुछ आठ नौ क्वेश्चन रह गए थे आई विल डिस्कस दिस विद यू लेट स्टार्ट सो so, यहाँ पे अब एक पैसेज है लेट मी थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ एक पैसेज दिया गया है अब देखिए अगर एग्ज़ाम में सी देर आर मेनी रीजंस अगर मैं एक फास्ट रीडर हूँ मैं जल्दी जल्दी पढ़ सकती हूँ एंड आई कैन आई आई बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अगर मैं स्लो रीडर हूँ थोड़ा कभी कॉन्सेंट्रेशन में अप डाउन हो जाता है इट इज़ बेटर कि मैं देर इज़ अ मैथड कॉल्ड स्किम एंड स्कैन ठीक है इससे क्या होता है एक ऊपर ऊपर से आइडिया मैं ले सकती हूँ कि किसके रिलेटेड ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ओके okay? ऊपर ऊपर से अगर मैं ये आइडिया लूँ तो आई हैव टू गेट एन आइडिया ये किसके बारे में बात करें स्किमिंग स्किमिंग क्या होता है जैसे आज के टाइम पे यू हैव स्किम्ड मिल्क छांटा हुआ ठीक है तो जल्दी जल्दी मुझे छाँटना है कि, कि किसके बारे में बात कर रहा है नाउ लेट्स स्टार्ट ये ओवरऑल देखा जाए वैसे अगर आपका आप जब ये वीडियो देखेंगे यू कैन पॉज इट ऑल्सो आप इसको आराम से पढ़िए एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड राइट द कॉमेंट सेक्शन पर अपने साइमिलटेनियस आंसर आप वो भी कर सकते हैं बट कंसिडरिंग वी आर टाइम कंस्ट्रेंड हि आई वोंट बी एबल टू रीड ईच एंड एवरी लाइन बट एक ओवरऑल आइडिया आपको बता देते हैं ये साइक्लोन एफन की बात कर रहा है ये फिर बात कर रहा है डिजास्टर रिस्पॉन्स की कब हुआ था देन ये बात कर रहा है कितने लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है लॉस ऑफ लाइफ डैमेज क्या क्या हुआ है फिर ये बोल रहा है कि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो दैट मीन हाइजीन मेडिकल असिस्टेंट की भी प्रॉब्लम चल रही होगी उस एरिया में इंडिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो बात कर रहा है जो वार्न करता है हमें कि साइक्लोन आने वाला है कैसे आ रहा है ये चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे एन की बात कर रहे हैं चैलेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे बोल रहे फिर एंड में कि अगर वायरस की बैटल हम जीते या ना जीते बट हमें अपना रिस्पॉन्स साइकिल जो है उसको कंटिन्यू करना है सो लेट स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द इकोनॉमिक पैरालिसेज एज गिवन इन द पैसेज ए अर्थक्वेक बी कोविड नाइनटीन सी एम्फन डी लैंड स्लाइड अब यहाँ पे बात कर रहा है द डेथ एंड डेवस्टेशन दैट साइक्लोन एम्फन हैज लेफ्ट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा डेमोन्स्ट्रेट वंस अगेन द फ्रेजाइल स्टेट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ड्यूरिंग द स्टॉम सीजन अब देखिए ये एक आर्टिकल है ये इन लोगों ने न्यूज़पेपर से निकाला है ओके okay? आया था ये बहुत फेमस हो गया था ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अब अगर इसका जोग्रफिकल फैक्टर्स में जाए आप जोग्रफिकल फैक्टर्स से भी देख सकते कि कैसे ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पर कैसे साइक्लोन इफेक्ट होता है ओके नाओ कमिंग टू द ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन वुड भी लाइक एस सेट के हमारे कॉमेंट सेक्शन खोले आप साइमल्टेनियस आंसर लिख दीजिए द करेक्ट आंसर वुड भी सी एम्फन ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज विथ कोविड नाइन्टीन क्योंकि बोल रहा था वहां पर कि कोविड नाइनटीन से कंसिडरिंग हम ऑलरेडी जूझ रहे थे बट ये ऊपर से एम्फन आ गया एम्फन इज अ नेम वट हैपन इन कोलकाता ड्यू टू साइक्लोन एम्फन एज गिवन इन दैसेज नॉर्मल लाइफ इज पैरालाइज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल फिशरमैन विल किल्ड अलॉन्ग कोस्ट लाइन मोर देन थाउजेंड पीपल डाइड इकोनॉमी इज डेवास्टेटेड आप बताइए क्या हो सकता है एलकम अगेन कम बैक टू दिस सिंह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या पैरलाइज वगैरह हुआ ये देखिए डायरेक्ट आंसर दिया है आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है और डायरेक्ट आंसर ढूंढना है अपने सी दिस इज वेयर यू विल ड्रॉ अ लाइन एक वो लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं कि इस बाउंड्री को इस बाउंड्री को आपने क्रॉस नहीं करना है दैट मीन्स मेरे ओपिनियन जो मेरे दिमाग में अपने आप ओपिनियन बन रहे हैं उनको मेरे को कंट्रोल में रखना है एंड मेरा फोकस फोकस सिर्फ पैसेज में रहना चाहिए नथिंग मोर उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं उसे कम इन्फॉर्मेशन नहीं मैं उसे अग्री करूँ या ना करूँ इट शुड नॉट मैटर आप सिर्फ पैसेज पे फोकस करिए सो द करेक्ट आंसर इज ए नॉर्मल लाइफ इज पैरलाइज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन

कौन सी एक या दो करेक्ट है या बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स दिस इज व्हाट द ऑप्शंस आर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट ए इज ट्रू स्टेटमेंट बी इज ट्रू उस हिसाब से आपको बताना है नाउ लेट्स कम बैक टू द पैसेज अगेन अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे लाइक आई सेड कि आप थोड़ा इसको पॉज uh, करके भी ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं यहाँ पे ये करेक्ट लिखा हुआ है और ये साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के बारे में भी इसने लिखा हुआ है दैट मीन्स आर आंसर इज दिस ए बोर्ड द स्टेटमेंट आर क्लियरली मैंशन किया हुआ है कुछ अप डाउन हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि ऐसी फ्लो में आपको जैसे ये पैसेज है ऐसी फ्लो में आपको सारे क्वेश्चन आए कभी यहाँ से पहले क्वेश्चन आ सकता है फिर बाद में इधर से आ सकता है बट इट वुड बी डायरेक्ट हाउ मनी पीपल डाइड इन बंगाल ड्यू टू साइक्न एम्फिन एटलीस्ट फिफ्टी एटलीस्ट हंड्रेड लेस एन फिफ्टी एटलीस्ट से ऑलरेडी अभी दो बार ये ऑप्शन देख चुके हैं सो वी नो द आंसर क्या है द करेक्ट इज सेवेंटी टू डी वॉट इज द कंटेक्शल मीनिंग फॉर द हाईलाइटेड वर्ड प्रिकरियस इसका मीनिंग क्या हो सकता है ठीक है अब आप बताइए इसका क्या है ए स्ट्रॉन्ग बी डेंजर सी वोलेटाइल डी लोडेड अब आपको बताना है इस वर्ड प्रिकरियस का मीनिंग क्या है ये प्रिकेरियस वर्ड पैसेज में दिया गया है आते हैं पैसेज पे इंडिया साइक्लिंग वार्निंग सिस्टम हैज मेड मेजर एडवांसेस फॉर बीइंग एबल टू प्रोवाइड क्लियर वार्निंग्स एंड सेविंग लाइफ्स, बट द प्रिकेरियस लाइव्स ये है आपका वर्ड सेंटेंस पढ़िए देखिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर वर्ड की मीनिंग पता हो, हमेशा सेंटेंस पूरा पढ़ के ही सेंटेंस पूरा पढ़ के ही उसका मीनिंग एटलीस्ट गेस वक कर लेना चाहिए कि, कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है ये बोल रहा है कि इंडिया के साइक्लिन सिस्टम में एडवांसेस हुई हैं ये पॉजिटिव कॉन्वर्टेशन की बात कर रहा है एंड सेविंग लाइफ्स बट दैट मीन्स कुछ क्वॉन्टिटी अब ये बात करेगा द प्रिकयरज लाइफ लेड बाई मिलियंस ऑफ हैव वंस अगेन बीन सब्जेक्टेड टू अवियर शॉक अब प्रिकेयर इन दिस कॉन्टेक्स वुड बी वॉट ए स्ट्रोंग बी डेंजरस सी वॉलेटाइल डी लोडेड द करेक्ट आंसर इज डेंजरस दैट मीन्स ये बात कर रहा है कि ठीक है लाइफ लीड कर रहे हैं बट अभी भी देखो वहाँ पे कोविड का भी बैकग्राउंड है कोविड का भी बैकग्राउंड है प्लस यहाँ से साइक्लोन भी आ गया तो डेंजरसली वी वर लिविंग डेंजरसली दैट टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा स्ट्रॉग यहाँ पे हम पॉजिटिव कॉन्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं वॉलिटाइल वुड भी अ फिफ्टी फिफ्टी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे कभी भी इरप्ट हो सकती है सिचुएशन लोड इट मीन्स हैवी सो इट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड टू यूज इट द आंसर इज बी डेंजरस नेक्स्ट find the correct active passive voice for the given sentence and passive active voice from the given alternatives. अब आपको active passive की बात करनी है आप हमारे previous में जाइए जो कल वाला video है उसमें active passive की बात कर रहे हैं We have explained what is active passive. आप मुझे comment section में भी लिख सकते हैं active passive में क्या है अब बताइए क्योंकि पिछले वाले question में भी दिए थे दो question थे They bundled the uh, crackers. They bundled the crackers. ए द क्रैकर्स आर बंडल बाय देम बी द क्रैकर्स हैड बंडल्ड बाय देम सी द क्रैकर्स बंडल बाय देम डी द क्रैकर्स वे आर बंडल्ड बाय देम ये पास्ट की बात कर रहा है ये आप याद रखिए ऑल्सो एक और चीज़ याद रखिए एक सेंटेंस में कभी भी कभी भी दो पास्ट टेंस नहीं आते हैं दो पास्ट टेंस नहीं आते हैं ऑलवेज रिमेंबर दिस ये आपका चला गया हैड बंडल दोनों पास्ट आ गया नो no, ये इनकम्प्लीट है द क्रैकर्स वेर बंडल्ड बाय देम ओके ऑलवेज रिमेंबर दिस नेक्स्ट चूज अ वर्ड विच एक्सप्रेसिस नियरली द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एस्ट्यूट एस्ट्यूट और एस्ट्यूट हाउ एवर यू वॉन्ट टू प्रनाउंस इट ऑपोजिट मीनिंग आप मुझे बता सकते हो ऑपोजिट का और क्या वर्ड हो सकता है हमारे पुराने वीडियोज देखेंगे आप उसमें वहां पे एंटिनम्स या सिनोनिम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर में एंटनम्स होते हैं ऑपोजिट अब आपको एस्ट्यूट का बताना है ए एंड एड्रॉइड बी फुलिश सी क्लेवर डी ब्रेनी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है द करेक्ट इज बी फुलिश ठीक है ब्रेनी क्लेवर एड्रॉयड ये सारा एस्ट्यूट हम यूजली ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ही हैज़ अ वेरी एस्ट्यूट पर्सनैलिटी और हिज ओपिनियन एस्ट्यूट दैट मीन्स अब क्लेवर इन अ पॉजिटिव वे गुड इंटेलिजेंट उस हिसाब से बोल सकते हैं ब्रेनी भी वही हो गया फूलिश तो इसका ऑपोजिट हो गया ठीक है फूलिश को हम यूजली हिंदी में क्या बोलेंगे बेवकूफ ओके नेक्स्ट चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस अ सिमिलर मीनिंग अब ये आपका यहाँ पर आ गया सिनोनम्स का of the given word callo, very nice word a mature b calm c sophisticated d immature ab iska aapko batana hai kya hoga kya aap mujhe bata sakte hain thoda hint ya comment section pe likhe yes the correct is immature Callo usually ye उनके लिए use होता है जैसे हम youngsters या young बच्चों के लिए young children के लिए हम कभी use कर सकते हैं क्योंकि वो usually uh, I would say इनएक्सपीरियंस होते हैं तो उनके लिए हम करते द आंसर गिविंग बाय हेम और द एक्ट बाय गि वॉज वेरी कैलो इनमे बचकाना हरकत जब हम किसी को बोलते हैं उसको हम इमेच्योर भी बोलते हैं कैलो भी बोलते हैं सोफिस काम मच्योर इसका ऑपोजिट आ गया आप नए नए वर्ड सीख रहे हैं इसको याद रखिए और अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल प्रपोर्शन विद गिवन ऑल्टरनेटिव ऑल द ट्रेकर्स वॉकड डैश द फॉरेस्ट प्रपोजिशन डालने अपने बिफोर आफ्टर ऑन थ्रू अब ये तो ईजी है ऑल द ट्रेकर्स वॉकड बिफोर द फॉरेस्ट बिफोर फॉरेस्ट से पहले कैसे आफ्टर भी कैसे ऑन उसके ऊपर क्रिश तो है नहीं है कि उसके ऊपर जाएगा डी थ्रू येस द करेक्ट इज डी थ्रू एंड दैट इज हाउ वी विल फॉर्म द आंसर प्रपोजिशन ओरिएंटेड ठीक है डोंट गेट कन्फ्यूज विथ बिफोर आफ्टर क्योंकि अगर आप बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करेंगे वो आपका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर लेगा ओके okay? ऑन और इन में भी कभी कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं ऑन हो गया माई पेन इज ऑन द टेबल ऑन ऊपर नॉट इन ओके द करेक्ट इज थ्रू आई होप दीज क्वेश्चन हेल्प यू इसको अच्छा रिविजन करेंगे आप अब बैक टू बैक ही हमारी सीरीज देखिए विल कम बैक विद मोर सच क्वेश्चन मोर सच एग्जाम ओरिएंटेड पी वाई क्यूज Thank you so much.